गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब मतलब मंथन करने की जरूरत आ गई ना बीजेपी को, एक के बाद एक। फिलहाल ये बताएं, आरएसएस के बड़े नेताओं की ओर से, मोहन भागवत हो, चाहे संघ प्रमुख या फिर इंद्रेश कुमार हो, उन लोगों की ओर से जो नसीहत दी जा रही है, बीजेपी ने उससे क्या सीख लिया है? गौरव भाटिया जी। सर्वप्रथम तो चित्रा जी, आपने कहा, देखिए चिंतन का समय आ गया है, तो जो मस्तिष्क से जी रहा होता है, जिसमें सोचने की क्षमता होती है, जो सकारात्मक संवाद कर सकता है, वो हमेशा चिंतन करता है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मूल मंत्र रहा है कि या तो हम जनता से आशीर्वाद पाके चुनाव जीतेंगे, और अगर कहीं कमी रह जाएगी तो सीखेंगे। हम कभी ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि विपक्ष सकारात्मक राजनीति नहीं करता इसलिए लोकतंत्र खतरे में है, हम संविधान ये नहीं कहेंगे कि खत्म हो रहा है। और आपने जब बात करी, देखिए पहले तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का रिश्ता समझिए, बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे के पूरक है। हमें इस बात पे गर्व है कि जहां हम जनता की सेवा करते हैं और बिल्कुल डायरेक्टली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है, दूसरी तरफ आरएसएस हमारी वो संस्था है जो हमें दिशा भी देती है, सुझाव भी देती है और बातचीत भी करती है। और ये गर्व की बात हमारे लिए है कि विश्व के सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा से हैं, और मोहन भागवत जी जो आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, वो भी हमारे लिए ही सुझाव भी देते हैं और हमें पिता तुल्य होने के नाते मार्गदर्शन भी करते हैं। इसमें विरोधाभास नहीं है, ठीक है। लेकिन आज मैं ये कहूंगा, जो मोहन भागवत जी की बातों को तोड़ मरोड़ के कह रहे हैं मणिपुर पे उन्होंने कहा, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि भाई आदरणीय मोहन भागवत जी ने तो ये भी कहा है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लागू करिए, तो फिर वो भी मान लीजिए। मोहन भागवत जी ने तो ये भी कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी और सपा करती है, वो भी मान लीजिए। और सबसे बड़ी बात है चित्रा जी, आप ये बताइए, सबसे बड़ी पार्टी हमारी भाजपा बन के आई, और आप ये मानेंगी कि 3.5 दशक तक कांग्रेस पार्टी कभी 240 का आंकड़ा नहीं छू पाई। जो हमारा खराब प्रदर्शन है, जिसको हम कहते हैं बेहतर बनाना है, ठीक है, वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से आधा नहीं है कांग्रेस पार्टी का, ठीक। और है। आज ये भी पूछिएगा, क्या आगे चुनाव जो आने वाले हैं, ये घमंडिया एक साथ टिक पाएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का बयान आया है, ठीक, और है। उन्होंने चित्रा जी क्या कहा है, दिल्ली के चुनाव में हमें कांग्रेस का हाथ नहीं चाहिए, क्या ये बात नहीं हुई, ठीक, क्या है। ये सत्य नहीं? यूपी पर ही रहते हैं, यूपी पर ही रहते हैं, मोहन भागवत गोरखपुर में है, ठीक है, और उनके एक एक बयान के बड़े बड़े मतलब निकाले जा रहे हैं। मैं आ रही हूँ गौरव जी, मनोज काका जी अब आपके पास आते हुए, देखिए वो सलाह दे रहे हैं, उन्हीं से मोहब्बत, उन्हीं से लड़ाई, अब आरएसएस के लोग आके आपके लिए तो कुछ करने नहीं जा रहे मनोज काका जी, और गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ से मिलने का मतलब समझ रहे हैं संघ प्रमुख का? नहीं, मायने मतलब इसका निकाला जा रहा है मॉरल सपोर्ट देना, तो इससे तो आप ही लोगों की परेशानी बढ़ेगी, आप लोग बेवजह खुश हुए जा रहे हैं कि संघ प्रमुख ने ये कहा वो कहा। नहीं, जिस तरह का भी आरएसएस भागवत को पूरी स्वतंत्रता है, वो देश में जिससे चाहे उससे मिले, लेकिन आपने जो शुरुआत करी, जो उनके बयानों से आपने शुरुआत करा कि उन्होंने सवाल किस पर खड़ा किया, हमारे तरफ गांव में एक कहावत है कि आधा कहे मर्द समझे और पूरा कहे कौन समझे, तो वो आधे से और कितना उन्होंने साफ संकेत दिया, मणिपुर जो सालों से जो जल रहा, जो 3 मई 2023 से जल रहा है, उस पर उन्होंने साफ साफ कहा कि और मणिपुर में किसकी जिम्मेदारी है, आज तक की है हमारी, आपकी है जिम्मेदारी, जहां उनकी डबल इंजन की सरकार है तो सवाल किस पर खड़े होंगे, क्या मणिपुर की तस्वीरें आपके हमारे माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में नहीं गई? जो प्रधानमंत्री इस तरह के दम भरते हैं, उनके प्रवक्ता इस तरह का दम भरते हैं कि दुनिया के विश्वगुरु हैं, स्वघोषित हालांकि हैं, दुनिया ने नहीं माना, स्वघोषित विश्वगुरु हैं, तो क्या स्वघोषित विश्वगुरु से दुनिया भर के लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे कि जिनके यहां हमारे सरहद की सुरक्षा करने वाले घरों की बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाए, वो अपने आप को स्वघोषित विश्वगुरु कैसे साबित कर ले? और जो मोहन भागवत ने जो सवाल किया है, जो इंद्रेश कुमार ने सवाल किया है कि अहंकार किसका था, वो तो साफ साफ है, उसमें बहुत तरह की भाषा समझने की जरूरत है ना। 1925 से आरएसएस,
कि झूठा प्रचार करके इन लोगों ने अपने पक्ष में माहौल बना लिया, तो आप लोगों के लिए भी है। देखिए हमारे लिए क्या है झूठा प्रचार, क्या हमने झूठा कह दिया? हमने क्या इस देश के किसानों 700 किसान नहीं शहीद हुए? क्या बेरोजगारी 45 सालों के चरम पर नहीं है? एनटीए अभी नीट जैसे, उस पर आपने भी सवाल खड़े किए, नीट जैसे एग्जाम लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, जिन नौजवानों को परीक्षा पर हमारे देश का नौजवान अब किस परीक्षा पर भरोसा करेगा, जब सारे संस्थानों में आप सिर्फ अपने विचारधारा के आधार पर अपने पोषित लोगों को भर देंगे तो कहीं भी स्पष्ट और पारदर्शिता तो आएगी नहीं। तो ये सब सवाल है, और सारे सवालों पर जवाब देने के बजाय इधर उधर की बात करना, अब तो आईना आरएसएस ने क्या दिखाया, उत्तर प्रदेश की जनमानस ने दिखा दिया है, उत्तर प्रदेश की जनमानस ने दिखा दिया है, उत्तर प्रदेश नौ नौ मंत्री हार गए। मैं पूछना चाहूंगा स्मृति ईरानी क्यों हार गई, बालियान क्यों हार गए, और आपस में कितनी लड़ाई है, इधर पश्चिम में देख लीजिए, अभी आज बांदा में पूर्व सांसद ने बयान दिया है, तो आपस में घर के झगड़े कितने तरह के आवरण से और विज्ञापन से मत ढकिए। ये बताइए कि एनटीए का पेपर क्यों लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर क्यों लीक हो रहा, क्या मोहन भागवत जी से, हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से पूछे कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों का लगातार पेपर क्यों लीक हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी क्यों चरम पर है, उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों को क्यों एक साजिश के तहत उनको न विश्वविद्यालय में रखा जा रहा है, न उनका शासकीय व्यवस्थाओं से उनकी हक हिस्सेदारी को दरकिनार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहुजनों को आदरणीय अखिलेश यादव जी और धाड़ा पर पूरी हिस्सेदारी मिल रही है, और अब मैं खत्म कर रहा हूँ, अयोध्या में, अयोध्या पर भी मैं समझता हूँ कि पूछेंगे, एक दलित को समाजवादी पार्टी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रभाव से सांसद बनाया, तो अब भारतीय जनता पार्टी पोषित गुंडे गाली दे रहे हैं, ये किस तरह का आपका संस्कार है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का यही संस्कार है? मैं चाहूंगा कि आरएसएस के मोहन भागवत जी अभी सवाल करेंगे बीजेपी से। ठीक है, मुझे लग रहा है शांतनु गुप्ता जी आप चूंकि सपोर्ट करते हैं इसी विचारधारा को, तो इस पर आपका जवाब, वो बहुत सारे मुद्दे उठा रहे हैं और कह रहे हैं उम्मीद है कि मोहन भागवत इस पर भी बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री से। देखिए मोहन भागवत देश के अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी संघ का शिक्षा वर्ग लगता है, संघ बहुत सारे शिक्षा वर्ग लगाता है, ओटीसी लगाता है, प्रथम द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष लगाता है, वहां वहां पे जाते हैं, और वो गोरखपुर पहले भी बार भी गए। मैंने अपनी किताबों में जो योगी आदित्यनाथ पे लिखी है उनपे मोहन भागवत जी के और योगी आदित्यनाथ की कई तस्वीरें लगाई हैं जो गोरखपुर में गए, तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है। और ये आपको पता है जो संघ का कैलेंडर है वो ऑलमोस्ट एक साल पहले निर्धारित हो जाता है, तो मोहन भागवत कहाँ जाना हुआ एक साल पहले से निर्धारित है, वो अगला कहाँ प्रवास करेंगे, उसका अगला कहाँ करेंगे, उसके अगला का वो निर्धारित होगा वहां पे चर्चा है ना। इस बार शांतनु गुप्ता जी इस बार अलग है, उत्तर प्रदेश से उम्मीदों के हिसाब से आपको सीटें नहीं मिली, अयोध्या आप हार गए, परिस्थिति अलग है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी चर्चा होगी मेरे ख्याल से, जो सामाजिक राजनीतिक चर्चा होती है, संघ की बहुत सारी इकाइयां हैं, उसमें संस्कार भारती है, संस्कृत भारती है, उसमें विश्व हिंदू परिषद है, एबीवीपी है, भाजपा भी उसका एक तरह का समन्वय संगठन है, तो बिल्कुल चर्चा होगी, लेकिन उसको किसी अलग रूप में देखना नहीं है, क्योंकि वो इस वजह से गए चुनाव हुआ, चुनाव में हारे या कम सीटें इस वजह से जा रहे हैं ऐसा नहीं है, वो उसका प्लान एक साल पहले था, वो अगले बार किसी और ओटीसी में जाएंगे, किसी और प्रथम पर्व में जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि जो लोग मोहन भागवत को पानी पीपी के गाली देते थे, जो लोग इंद्रेश कुमार को पीपी की गाली देते थे, वो लोग आज उनकी बातों का उदाहरण दे रहे हैं, तो काका जी क्या उनकी सारी बातें मानेंगे क्या? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई मैं मीठा मीठा तो गप गप कड़बड़बात हूं, तो आप सारी बातें मानिए, लेकिन अच्छा है कि भाजपा के पास संघ के रूप किस में तरह की आप बात कर रहे हैं, लेखक हैं आप, हम किसी व्यक्ति से घृणा थोड़ी करते हैं, हम विचारधारा से घृणा करते हैं, कम से कम इतनी भी समझ नहीं है आपको, आप लेखक अपने आप को कहते हैं, हम किसी व्यक्ति से घृणा थोड़ी करते हैं, आप भी सही बात करेंगे तो आपका भी हम पक्ष रखेंगे। हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं, आप बोलेंगे फिर उनकी आवाज नहीं आएगी, उनको बोले देते हैं। बोलिए। देखिए भाजपा के पास कम से कम एक अपने गार्जियन की तरह एक संगठन है जो उनको सलाह दे सकता है, तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो काका जी के लिए जो सलाह है कि आपने जो तकनीक का इस्तेमाल करके, मतलब एआई डीप फेक यू करके जो एससी एसटी का रिजर्वेशन का फेक वीडियो चलाया, उस पर आप भी सीख लीजिए कि भाई अराजकता से फेक वीडियो से एक बार तो आप सीख जाएंगे। गृहमंत्री, मैं इस बड़े मंच पर आपने सवाल खड़ा किया है तो कह रहा हूँ, ब्रूट की रिपोर्ट है, आपके गृहमंत्री उस समय थे और उन्होंने 2018 के मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा कि हमने माननीय राष्ट्रीय माननीय नेताजी और अखिलेश यादव जी के बीच के विवाद को झूठी खबर फैलाया, उन्होंने स्वयं स्वीकारा, इसके लिए आप माफी मांगिए, और ये तो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आप कह रहे हैं, जो झूठों के सौदागर है, जो पूरे झूठ पर जिनका पूरा विमर्श चलता है, आप हमको सच सिखाएंगे जैसे हम लोग किसी भी तरह के झूठे नैरेटिव से, प्रोपेगेंडा से, राजनीति
राजनीति नहीं चलाना चाहते, हम लोग आम लोगों के जो जीवन के जरूरी सवाल है उसके आधार पर चलाना चाहते हैं। आज लखनऊ के अकबर नगर में आप लगातार बुलडोजर चला रहे हैं। मनोज जी आप तो स्टूडियो में बैठे हुए आराम से बोलेंगे, वो हमारे साथ जूम से जुड़े हुए ना, और फिर बाकी दो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। शांतनु जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, मैंने कहा देखिए एक फेक वीडियो और झूठे गारंटी पत्र जो बांटे गए उस पे कुछ सीटें ज्यादा आने पे आप कुछ एक चुनाव में इतरा सकते हैं, लेकिन आपका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। जब से अखिलेश यादव ने पार्टी छीनी है मुलायम सिंह यादव से अपने चाचा जी से, उसके बाद से 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, इसके बीच में जो ग्राम पंचायत हुए वो हारे, जो शहरी निकाय वो हारे, एक चुनाव में आपको आपका वोट अभी भी 32% ही है, आपका वोट नहीं बढ़ा है। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर अभी भी 32% है, वो 30-32% की पार्टी है, वो वही रहेगी। संतुष्ट करते रहिए तो आप जैसे विचारक हर बार बहुत जल्दी किनारे लगा दिए। चलिए ठीक है, वरुण पुरोहित जी को लेकर आना चाहूंगी। मलुक नागर साहब दो लोग और हमारे साथ हैं। वरुण पुरोहित जी पहले आपके पास आते हुए, उसके बाद सांसद जी मैं आपके पास आ रही हूँ फौरन। मलुक नागर साहब आपसे सीधे, वरुण पुरोहित जी आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, अब कांग्रेस पार्टी क्यों इतने खुश हो रही है? वो लोग आत्ममंथन कर रहे हैं, बीजेपी की कमियां निकाल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भैया ये चीजें दूर कर लीजिए और आगे आप लोगों का रास्ता आसान हो जाएगा। अब यहां पर तो मोहन भागवत अगर गोरखपुर में पहुंचे हैं तो 2027 का चुनाव तो योगी जी मुख्यमंत्री है ना, यकीनन उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही। ये भी तो हो सकता है कि वो उनको सलाह देने गए हो, ये चीजें दुरुस्त कर लीजिए आपका अच्छा हो जाएगा। इतना खुश होने की क्या जरूरत है विरोधी दलों को? वरुण जी, चित्रा जी, खुश होने की जरूरत नहीं है। जिस संघ के पीछे संघ की एक समाज में इज्जत हुआ करती थी, पिछले 10 साल में शाब्दिक आचरण गिरा, उसका भी उन्होंने मोहन भागवत जी ने इशारा किया है आदरणीय संघ प्रमुख ने, और जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी किस प्रकार से बद्दी बद्दी बातें सबके लिए कही जाती है उसका भी उन्होंने, सामाजिक चीज जो है ना जो गिरावट आ रही है उसका रेफरेंस किया है। और जो संघ जिसके पीछे बीजेपी आज सत्ता में आई है, जो आप देखिए जिस पार्टी का अध्यक्ष कहते हैं हमको संघ की जरूरत नहीं, तो वो भी एक अजीब सी बात है, तो पिंचिंग बात है। जिस संघ के पीछे ये लोग सत्ता में पहुंचे हैं, और आप ये बात कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं, अभी शांतनु जी ने कहा इतनी सीटें आ रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, भाई अडवाणी जी की 2 सीटें आई तो क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिगड़ गया क्या? उन्होंने तो 2 से आपको 200 पहुंचा के गए, आप उनको भी आदर नहीं देते हो, तो कुल मिला के खुशी होने की बात नहीं। हम तो उस पर आत्मविवेचना भी कर रहे हैं, कैसे आगे हमको यूपी में जहां जहां आ रहे हैं उन राज्यों में मजबूत होने का प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है, कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ कर दी है। आप ही देखिए, जो मैं इस पे नहीं जा रहा कि इन्होंने फेक वीडियो चलाए, आरक्षण की बात चलाई, देखिए जनता ने जो मैंडेट दिया उसी की बात इंद्रेश जी ने की, उसी की बात संघ प्रमुख ने की है। इनके जो अंदर अहम है, अहंकार है, आडंबर है, उससे अभी भी हटना नहीं चाह रहे। और जो इन्होंने क्या किया पिछले इतने वर्षों में, खाली गांधी परिवार को कोसना या कांग्रेस को कोसना, तो वो चीज को उस पे उसका भी इनडायरेक्ट इशारा इनका कि आप इसको छोड़िए, मणिपुर पर आपका ध्यान नहीं है, आप खुद की अपनी इमेज बनाने में, इवेंट मैनेजमेंट पे लगे हो। देखिए इतने बड़े जो लोग होते हैं वो इशारे से बात करते हैं, खुल के थोड़ी बोलते हैं जैसे लोकल लेवल का कोई कार्यकर्ता बोल देगा। तो ये कुल मिलाकर के बीजेपी और संघ की जो स्ट्रगल शुरू हो गई है, इसका आपको महादंगल देखने को मिलेगा आने वाले सालों में। और बीजेपी जो अभी जो बीजेपी मोदी सेंट्रिक मैंने हमेशा कहा, उसको अपने में अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट। तो अभी वो सबसे बड़ी पार्टी है ना, अब दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस आप देखिए कितनी दूरी पर है 99 के साथ, उसको 240 सीटें मिली हुई हैं। लेकिन आप लोगों की ओर से ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है जैसे कि न जाने क्या हो गया, कौन उससे आगे चल गया और यहाँ पर हार गए हैं, नैतिक आधार पर इस्तीफा दे, नैतिक आधार पर कौन बनेगा प्रधानमंत्री, फिर आप ही लोग बता दीजिए। ये बात सच है, हाँ ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 99 ही मिली है, ये बात भी आप लोग याद रखिए कि 10 सालों का अगर नरेंद्र मोदी का शासन है, उसके बावजूद अगर यहाँ पर क्षेत्रीय दलीय काका जी बैठे हुए, इनकी पार्टी ज्यादा अच्छा करती है, उधर ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में पार्टी ज्यादा अच्छा करती है, 42 में से 31 जी जाती है, क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व तो बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को देखे कि वो कहां पर 30 से ज्यादा या 35 सीटें या 40 सीटें एक राज्य में निकाल कर लेकर आई, ये तो एग्जांपल है ना। ये अलग बात है कि दोनों एक साथ चुनावी मैदान में थे, लेकिन जहां पर आमने सामने की लड़ाई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, इन राज्यों में ऐसा नहीं है कि बहुत कमाल कर दिया।